एटा जनपद की सड़कों पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जुलूस निकाला जा रहा है। हिंदूवादी संगठन और यहाँ की जनता सड़कों पर है। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन है, यूएनओ है, उससे अपील है कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए, उनके प्रतिष्ठानों की रक्षा की जाए। हमारे बीच में कुछ प्रदर्शनकारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या मांग करेंगे वो जी बताइए। क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता है, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की मांग है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो जाए उसको तुरंत बंद करना चाहिए और हमारी सरकार को वहाँ पर दखल देना चाहिए, और अगर कोई ज़रूरत हो तो डायरेक्ट एक्शन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था इस तरह का भी होना चाहिए। बांग्लादेश में भी आज हिंदुओं ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। गोपालगंज में 50,000 एक लाख से ज़्यादा हिंदुओं ने मांग की है। वहाँ सेना ने जो है थानों को नियंत्रण में लिया है, थानों में जो हिंदू है वो सुरक्षित नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वहाँ पर सुरक्षित नहीं है और हम मांग करते हैं बांग्लादेश सरकार से भी कि वो हिंदुओं को सुरक्षा दें, और अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग कि वहाँ पर जो हिंदू हैं उनके लिए एक अलग क्षेत्र दिया जाए या बांग्लादेश को डिवाइड करके एक अलग देश बनाया जाए हिंदुओं के लिए। यह बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश को डिवाइड करके एक हिंदुओं का पूरा देश बनाया जाए, यही आपका मंतव्य है? नहीं, हमारा मंतव्य सिर्फ ये है कि हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है बांग्लादेश में उसको तुरंत बंद होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं रुकता है तो ये हमारे पास आखिरी विकल्प है कि बांग्लादेश का डिवीज़न होना चाहिए। बांग्लादेश का डिवीज़न आप धार्मिक आधार पर चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, ऐसे ही चाहते हैं कि बांग्लादेश से एक अलग धार्मिक आधार पर हिंदुओं के लिए स्टेट बने जिससे वो उसमें सुरक्षित रहें? देखिए, ये जो उत्पीड़न हो रहा है ये धार्मिक आधार पर ही हो रहा है। जब हम देख रहे हैं कि वहाँ सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, तो ये जो मांग है हमारी ये भी धर्म के आधार पर ही है। चलिए, तो ये डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी थे, इनका साफ कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है अगर ये नहीं रुक पाता है सरकारों के प्रयास से, तो वहाँ हिंदुओं के लिए एक अलग स्टेट की स्थापना की जाए जिससे हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे बीच में और भी कई लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनुराग गुप्ता, आई एम ए। हाँ अनुराग जी, बताइए क्या आप मांग करेंगे? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है, और इसके लिए वहाँ की सरकार को तुरंत एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी सरकार को अपने लेवल पर उसमें दखल करना चाहिए, और हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित, अगर वो अपने देश आना चाहते हैं उनको देश लाया जाए, हमारे मंदिरों की सुरक्षा की जाए, यही मेरा हमारी देश की सरकार और बांग्लादेश सरकार से आह्वान है। धन्यवाद। तो ये इन्होंने भी मांग की है कि वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा की जाए, हिंदुओं की संपत्ति जो है उनको बचाया जाए। हमारे बीच में कुछ महिला प्रोटेस्टेंट भी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम लवली शर्मा है, और बहुत अफसोस, बहुत दुख की बात है कि हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में इतना गलत हो रहा है। हम सबको दिल से ही बहुत अफसोस है, और हम सब उनके लिए शांति मार्च निकाल रहे हैं, जो मारे गए हैं लोग उनके लिए, और जो वहाँ फंसे हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने घर सकुशल पहुँचे। हम सभी बहनों की यही कामना है और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि हम सब देशवासी एकजुट होकर के उनके लिए कुछ करें। चलिए, ये भी मांग कर रही हैं कि वहाँ हिंदुओं की रक्षा की जाए। हमारे बीच में और भी यहाँ कुछ प्रोटेस्टेंट हैं, महिलाएं हैं जो जागरूक हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका सक्सेना है। क्या मांग करेंगे आप? मेरी मांग है कि वहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं, इस्कॉन टेम्पल में इतनी भयानक आग लगाई गई है, गीता को जला दिया गया है, वहाँ हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरी सरकार से ये डिमांड है कि वो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को शीघ्र अतिशीघ्र रोकने की का प्रयत्न करे, क्योंकि हिंदू हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा, और इस एकजुटता की मिसाल हम सरस्वती विद्या महेंद्र की बहनें और भाइयों इसको सब एक साथ निकाल कर ये आपसे कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, मीडिया से आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर शीघ्र ही लगाम लगाई जाए। तो ये महिलाएं थीं, पुरुष थे, जो कि प्रदर्शनकारी हैं बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ। इनकी सीधे सीधे मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकी जाए, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं उनको भी बंद किया जाए और पूरे बांग्लादेश में शांति स्थापित की जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।